बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। दो दिन चलने वाली बैठक में मिशन 2023 पर मंथन हुआ। बैठक में वीडी शर्मा, मुरलीधर राव मौजूद रहे। समर्पण निधि अभियान को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई। बूथ विस्तारक अभियान की समीक्षा भी इस बैठक में हुई है। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको बता रहे हैं। बीजेपी की इस बैठक को लेकर यह अपडेट मिल रहा है। बूथ विस्तारक अभियान की समीक्षा इस बैठक में हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। दो दिन चलने वाली बैठक में मिशन 2023 पर मंथन हुआ है। बैठक में वीडी शर्मा, मुरलीधर राव मौजूद रहे हैं। समर्पण निधि अभियान को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। दो दिन चलने वाली इस बैठक में मिशन 2023 पर भी मंथन हुआ है। समर्पण निधि अभियान को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। वीडी शर्मा, मुरलीधर राव इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये दो दिन तक बैठक चलेगी। मिशन 2023 पर मंथन इस बैठक में, समर्पण निधि अभियान को लेकर चर्चा, वीडी शर्मा, मुरलीधर राव इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी की इस बैठक को लेकर दो दिन तक इस बैठक में मंथन होना है। ये बड़ी जानकारी भोपाल से आपको बता रहे हैं। बीजेपी की बैठक को लेकर यह अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। बूथ विस्तारक अभियान की समीक्षा इस बैठक में हुई है। 2023 पर मंथन हुआ है। समर्पण निधि अभियान को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। दो दिवसीय ये बैठक है बीजेपी की, और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन इस बैठक में हुआ है। वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे हैं, मुरलीधर राव इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बूथ विस्तारक अभियान जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है अपने बूथों को मजबूत करने के लिए, उस अभियान को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। समर्पण निधि भी अभियान चला रही है, समर्पण निधि अभियान को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। और 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन इस बैठक में हुआ है। कैसे रणनीति बनाई जानी है, किस तरीके से संगठन को काम करना है, इन सभी पहलुओं पर बातचीत इस बैठक में हुई है। तो कल भी ये बैठक होगी, दो दिन की ये बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समर्पण निधि अभियान हो या बूथ विस्तारक अभियान हो, मिशन 2023 हो, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा इस बैठक में की गई है। और वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे हैं, मुरलीधर राव इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी इस बैठक को लेकर आपको हम बता रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी बैठक को लेकर भोपाल से बड़ी खबर। बीजेपी की दो दिन चलने वाली बैठक खत्म हो गई है। समर्पण निधि अभियान पर चर्चा इस बैठक में हुई, तो वहीं बूथ विस्तार का अभियान पर चर्चा इस बैठक में हुई है। मिशन दो आने शुरू होंगे। बीजेपी जनता से जुड़ा आपके और क्या क्या कार्यक्रम चलाएगी, क्या क्या अभियान चलाएगी उस पर। बूथ विस्तारकों का हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ हमको अपने जो हमारी परंपरा है कि हर परिवार से धन लेकर पार्टी के स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ना, ये दोनों काम जो पैरेलल चलते रहे उसको अनवरत रूप से समय सीमा के भीतर पूरा करना, यही लक्ष्य। एक बड़ा टारगेट रखा गया समर्थन, धन महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार जिन परिवारों से हम लेके जाने वाले हैं या उस गरीब से गरीब कार्यकर्ता या समर्थक के दरवाजे पर जाएं और जाकर हम पार्टी के लिए सहयोग राशि मांगें,
मैं परिक्रमावासी हूं तो मैं समझ सकता हूं कि इसका इसकी कीमत क्या है। सर, इसके साथ ही 23-24 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं संगठन तालमेल का बना रहे और योजनाओं का लाभ ये इसके लिए पार्टी हमेशा काम करती है। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पर प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनका यही कहना है कि जो आज संगठन की बैठक हुई है समर्पण निधि को लेकर तो सीधे तौर पर इसमें चर्चा की गई है और इसके साथ ही 23 और 24 में जो इलेक्शन है इसको लेकर भी संगठन ने तमाम पदाधिकारियों से चर्चा की है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो कुलभूषण सक्सेना को आप सुन रहे थे, प्रहलाद पटेल से बातचीत कर रहे थे इस बैठक को लेकर। दरअसल बैठक के बाद हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए नजर आए हैं प्रहलाद पटेल। कुलभूषण संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए। कुलभूषण, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर मिल पाई है? अभी आप सुन भी रहे थे जब आप प्रहलाद पटेल जी से बातचीत कर रहे थे। कुलभूषण, देखिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम जो कैबिनेट और केंद्रीय मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सीधे तौर पे जो आज बैठक का मुख्य उद्देश्य था वो समर्पण निधि का जो टारगेट रखा गया है उस टारगेट को कैसे पूरा किया जाए इसको लेकर ये बैठक रखी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि बैठक जो है अब समाप्त हो चुकी है और सांसद, विधायक, वरिष्ठ नेता बैठकों में शामिल हुए थे। बूथ विस्तारक योजना की समीक्षा जो है इसमें की गई है। इसके साथ ही समर्पण जो निधि अभियान को कैसे और गति दी जाए इसको लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन में जो टारगेट 150 करोड़ का रखा गया है मात्र 10 करोड़ का ही टारगेट जो है अभी तक 10 दिन में पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है नाराजगी जाहिर बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के तरफ से की गई है। वहीं इस बैठक में अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और अब से कुछ ही देर पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। अगर दिन भर की हम बात करें तो आज तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अब बैठक जो है समाप्त हो चुकी है, लेकिन कल एक बार फिर से ये बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू होगा और जिला अध्यक्षों की बैठक जो है यहाँ पर कल सुबह 11 बजे से दोबारा शुरू होगी। कुलभूषण, ये बीजेपी की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं बूथ विस्तारक अभियान पर चर्चा की बात हो या फिर समर्पण निधि अभियान पर चर्चा की बात हो या फिर मिशन 2023 का हम जिक्र करें, ये हर लिहाज से और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा इस बैठक में चल रही। देखिए, समर्पण निधि के अंतर्गत कैसे टारगेट को पूरा किया जाए इसको लेके एक लक्ष्य रखा गया है। 10 दिन का समय हो चुका है, 10 करोड़ रुपए जो है इस 10 दिन में आए हैं, तो कैसे तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इनसे जो है जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत जो एक बूथ विस्तारक में एक बूथ में तकरीबन 100 घंटे दिए जाने थे इसको लेकर भी जो चर्चा हुई है। 23 और 24 में चुनाव की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में तमाम कैबिनेट के मंत्रियों से जो है यहाँ पे उनके कामकाज को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही संगठन और सरकार का तालमेल बना रहे इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई है और फिलहाल अभी एक बार फिर से बंद कमरे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जो प्रदेश प्रभारी हैं वो बैठक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अभी कुछ ही देर पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। तो लगभग आज की जो बैठक का सिलसिला है वो समाप्त हो चुका है और कल एक बार फिर से 11 बजे बैठक का सिलसिला जारी होगा। कल की जो बैठक है वो संगठन के तमाम पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की रखी गई है। कुलभूषण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।